ये कॉर्नर गाइस मुझे इतना प्यारा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बाइक दिखाते हैं बहुत। कौन सी है वैसे? हिमालय रॉयल एनफील्ड वाली चाय पिला लूंगा। पूरी दिल्ली की जो सबसे फेमस चाय है ना, कमेंट में बताओगे कौन सी सबसे। पीले बना रहा था। तो ये हमारा आ गया है पार्सल, थैंक यू सो मच। टीपी आया वो सर, हम अनबॉक्सिंग करके बताएंगे इसमें है क्या। हमारे गोपाल जी जो हमारा पार्सल लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलो चलो बढ़िया है। तो ये आ गया हमारा पार्सल, इसमें हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलते हैं कि भाई अपनी स्किन का आप हमेशा ख्याल रखिए। ये हमारा एक्सफोलिएटिंग फोमिंग फेशियल क्लींजर जो कि बहुत जरूरी है। एंड दूसरा हमारा क्या है इसमें, ये हमारा यूथ रिन्यूअल स्टार्टर रेशनल सीरम। तो भाई ये बहुत अच्छा है एंड ऑफकोर्स मैंने इसको यूज किया है, विच इज टू गुड फॉर अवर स्किन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए। जिसमें देख लेते हैं, फोमिंग फेशियल क्लींजर है एंड इसको ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देना है, फिर फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद ये हमारा सीरम आ जाता है। तो इसको आपको जब आप सो रहे हो तो 4 से 5 आपको इसके ड्रॉप लेने हैं एंड अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है एंड सो जाना है। इसको वॉश नहीं करना है, इसको आप जब सुबह उठेंगे अपने ग्लो स्किन के साथ में इसको वॉश करिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जैसी ग्लो स्किन आपकी भी हो जाए तो यूज करिए दिस प्रोडक्ट। एंड गाइस इसको आप परचेज कर सकते हैं थ्रिफ की वेबसाइट से, यूज माय कूपन कोड अकबर अहमद एंड गेट 20% ऑफ। तो बस 20% ऑफ चाहिए तो अकबर अहमद कोड जल्दी से यूज कर लो। भाई माशाल्लाह से हमारा रूम रेनोवेट हो गया था एंड हमने आपको दिखाया नहीं था कि आफ्टर रेनोवेशन हमने इसमें क्या क्या किया हुआ है, तो वो दिखा देते हैं। भाई माशाल्लाह से ये हमारा रूम प्रॉपर अच्छे से रेनोवेट हो गया है एंड यहाँ पे हमने कॉर्नर पे कुछ थोड़ा सा, ये हमारे वही आपका हैम्पर गिफ्ट है एंड ये हम अभी लाए थे आपका जामिया फैसल जो मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा यहाँ पे हम और कुछ अभी ट्राई करेंगे एंड ऑफकोर्स दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड ये कॉर्नर गाइज मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाइज मेरे छोटा सा आशियाना कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। भाई मैं निकल गया हूँ और अभी हमको अनीस भाई से मिलना है, तो अभी चलते हैं मेकअप। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो फाइनली हम निकल गए हैं और आज हम फाइनली मतलब आफ्टर 1 वीक हमको टाइम मिल रहा है एनिमल देखने का। तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं प्रीतमपुरा, वहाँ पे हमारे लगते जिगर अनीस जो कि बहुत धाजू क्रिएटर हैं वो भी आने वाले हैं। तो स्पेशली प्लान उसे मीट और मूवी का बना हुआ है। तो थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे लगता है मुझे आधा घंटा पहले और निकलना चाहिए क्योंकि मेरे 2 चेंज है, एक आपका कालका जी में है, दूसरा आपका कश्मीरी गेट पे है। 1 घंटा है, 1 बजे का हमारा शो है। एंड यस, मैं भी आज कश्मीरी गेट की तरफ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो इतना आइडिया नहीं है मेरे को। देख लो कितना लंबा चलना पड़ता है, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे। वॉलेट पकड़नी है, ये वॉलेट ही है। अब ये वाली हमको ले जाएगी अभी कश्मीरी गेट। ओहो बहुत भारी है भाई, भाई मोबाइल वोबाइल बचा के ही चले यहाँ से। ये हमारा इंस्टाग्राम, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाएं जल्दी से कर लें। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं एंड हमने ये जैकेट भी ओढ़ ली क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं अनीस भाई का। तो अनीस भाई थोड़ा सा मुझे लगता है हमसे भी लेट हो गए हैं, बस हमको डर ये लग रहा है ना कि हमारी मूवी ना छूट जाए। क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर मूवी स्टार्ट करो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो। थोड़ा सा हम भी लेट हो गए एंड थोड़ा सा वो लेट हो गए। दिल्ली का भी बढ़िया सीन है ये, देखो किनारे रहे रोड किनारे कितना जबरदस्त बना हुआ है। आओ लेट लगे बैठे। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया, ये बहुत लेट हो गए। फाइनली भाई से मिलना हो गया हमारा आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। चलिए चलते हैं, वही डिस्कशन करेंगे मूवी ने। अबे नसीनी लगानी पड़ेगी क्या? लगाना है। ओ हो हो यार, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं आने में तो नहीं हुई, मतलब लेट हो गए। अरे 10-15 मिनट लेट तो चलता है। भाई बवाल मूवी कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और इसके स्टार्टिंग में नींद आ रही थी भाई, नींद आ रही थी स्टार्टिंग में तो आ रहे, मतलब देखो थोड़ी स्टोरी भी होनी चाहिए, थोड़ा सीरियसनेस भी होना चाहिए जो कि भाई मूवी में भरपूर है। मुझे तो बहुत मजा आया। थोड़ी थोड़ी करके देखोगे तो समझ में आएगी, मतलब स्टार्टिंग हाँ, मतलब के बची आ जाए। और ये जनाब लेट हो गया, मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गया, मैं इनके सामने बड़ा वैसा फील करूंगा कि यार फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और लेट हो गए। खुद जनाब लेट हो गए और मेरे को चलवा भी दिया, थोड़ा सा ट्रैफिक था ना रास्ते में, होता है कुछ नहीं होता। सो फाइनली मूवी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया भाई मूवी देख के। मतलब खून खराबा काफी है लेकिन मतलब के जो फादर का लव दिखाया गया बेटे के द्वारा ना, वो मतलब बहुत अच्छा है। यार ओवर दिखा रखा है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार दिखा, ये कह सकते हो थोड़ा सा ओवर है बट मुझे पसंद आई। हां अच्छी है मूवी, अच्छी है। अब तो काफी टाइम हो गया, बहुत चीजों में देखे होंगे, हम तो ज्यादा लेट हो गए, बल्कि हमने हां हमको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला लेट हो गया, इतना लेट हमको होना नहीं चाहिए था। वैसे भाई निकल आया हम सिनेमा से बाहर, भाई ने नई बाइक ली है, कौन सी बाइक है वो तो अभी हम दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेचुलेशन वैसे तो फोन पे। थैंक यू सो मच। बढ़िया भाई, आइए आपको बाइक दिखाते हैं, बहुत कौन सी है वैसे? हिमालय रॉयल एनफील्ड। तो भाई ये अनीस भाई ने बाइक ली आपका रॉयल एनफील्ड हिमालय,
तो भाई को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, क्योंकि जब अपनी लाइफ में कोई इंसान आगे बढ़ता है तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है, एंड उसका जो आगे बढ़ने का आपका सबूत है वो ये है। तो जब इंसान एक सीढ़ी आगे बढ़ता है और मेहनत करता है तो भाई ने अपनी मेहनत से ली है, लोगों का प्यार है, ऊपर वाले की दुआ है, कृपा है, जो भी है बस बढ़ रहे हैं भाई। नहीं नहीं बिल्कुल। तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हमने तो मूवी खत्म की है भाई, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खाएंगे और चाय लवर, तो हम जा रहे हैं भाई को स्पेशल वाली चाय पिलाना हूँ, पूरी दिल्ली की जो सबसे फेमस चाय है ना, कमेंट में बताओ कि कौन सी सबसे फेमस चाय है, उसके बाद हम वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलते हैं। अभी लोगों को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस चाय कौन सी है। हाँ चलो वहीं चलते हैं। मरानी रेडी हो गई, अनीस भाई रेडी हो गए, और इसमें हमको ये नसीनी लगा के जाना होता है, यहाँ पहले पैर रखेंगे, इतनी लंबी सीढ़ी की सीढ़ी लग गई। और यहाँ पर आई थिंक कोई मंत्री वगैरह आ रहे थे, बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और हम सीधे आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में, और देखिए क्या हुआ मेरे साथ। भाई बोकट हो गया हमारा, क्योंकि जो सुदामा की चाय थी वो आज बंद है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के सामने लगती थी, और अब क्या करें, हम देखते हैं कुछ और करने का सोचते हैं, क्या कर सकते हैं देश में। आ गए हम पुरानी दिल्ली में, और ये पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे आपको नॉनवेज स्पेशली आपको हर तरह का मिल जाएगा, और ये सकरी गलियाँ, ये आपके रिक्शे, फोकस कर लिया भाई, इधर खड़े हैं। ये आ गए हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खाने, और मुर्गे देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से टांग रखे हैं, पूरी बारात खिलाने का इरादा लग रहा है, कर रहा है प्रमोशन वाले, और डिमांड अनिल भाई की डिमांड। ये हमारा चंगेजी चिकन, दस रोटी, और ये आपकी प्याज। यार रोटी बिल्कुल ठंडी है, तो रोटी चलेगी नहीं बिल्कुल मेरा भाई। यार रोटी यार कैसे बताओ, ब्लॉगर के पास ऐसे ठंडी रोटी खिलाओगे? तंदूर जो भी बंद है, ट्राई बोलिए आगे बताओ कैसा है। आ जाओ भाई आप लोग भी खा लो, लो दोस्तों खाओ फटाफट से। हाँ। बाकी बाड़े इंदुराव में बस बढ़िया दुकान है इनकी, आगे आप चेक करके यहाँ से खा सकते हो। ट्राई कर लें पहले जो है, यानी भाई जो है कर लिया है भाई, ये देखो मसाला बहुत जबरदस्त है। ये हमारा चिकन चंगेजी थोड़ा सा मुझे मीठा सा लगा, लेकिन काफी अच्छा था और टेस्टी था, ग्रेवी बहुत अच्छी थी। आ गया हमारा लॉलीपॉप, आपकी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, और यहाँ ये बोटियाँ नोचने में लगे हुए हैं। हमने खाना खा लिया और खाना बहुत अच्छा था अनिल भाई, मजा आया खाना था। और हम लोग जा रहे हैं, आ जा रहे हैं घर की तरफ, घर की तरफ, लेकिन हमको चाय नहीं मिली। हम लोग इतना सोच गया कि हम लोग चाय, चलो चाय भी सुदामा की चाय नहीं मिली, सुदामा की चाय नहीं मिली। नहीं आज पता, आज मैंने चाय वैसे भी नहीं पी, क्योंकि मैं घर से निकला था थोड़ा सा जल्दबाजी में, लेट भी हो रहा था, तो अभी देखते हैं कहीं मिलता नहीं तो फिर आज हम चाय 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 पिला के भेजेंगे भाई को, चाय नहीं तो कॉफी पिलाएंगे, जो भी मिलेगा वो पिला के भेजेंगे भाई को। और भाई देखो अभी हमारा ये लुक, ये बाल भाई क्या कह रहे कि नहीं यार पब्लिक को दिखाई दो, हमारे बाल अभी है नहीं, रियल और रियल रहोगे तो भाई ज्यादा अच्छा है। और क्या, मैं आपको रियल, दो मास्क पहन के घूमने वाले लोग कभी सक्सेस नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं उतार देता हूँ। हम हो चुके हैं यहाँ से खाना पीना खा के फारिक, बस चाय पी लें फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और पता नहीं ये कुछ ज्यादा सेक्सी नहीं लग रहा है? ओके भाई थैंक यू। और ये देखिए बड़े बड़े मुर्गे रखे हुए एक दिन यहाँ पे, तो भाई ये खड़ी हुई है हमारी महारानी, नाम रख दे क्या इसका? हाँ महारानी रख दो, बढ़िया है भाई ने इसका नामकरण कर दिया भाई। हाँ इसका नाम महारानी रखो। हाँ भाई हम यहाँ पे आ गए, कहाँ ये कौन सा एरिया है? ये इंद्रलोक दिल्ली। अच्छा हाँ इंद्रलोक, और सामने ही इंद्रलोक का मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे आपका चाय कॉफी बढ़िया है। तो अनीस भाई आज हमको दिल्ली घुमा रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलता है। तो बस यहाँ पे जो है आपका हम अभी पीते हैं, बटर नहीं नॉर्मल, मुझे दूध वाली कर दो, दूध वाली हो तो। अरे यहाँ की चाय देखो, मुझे लगा कि ये वो पक्की वाली होगी, बट ये आपकी टी बैग स्टेशन वाली लग रही है, तो आई विल ट्राई कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। अनिल भाई आपने पी इससे पहले ऐसी वाली चाय? मैं भाई कॉफी पीता हूँ, लेकिन आपके बोलने में चाय पी रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा नहीं मैं आपकी मोहब्बत में चाय पी रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, चलो देखते हैं देखते हैं। फाइनली एक लंबा हेल्दी डिस्कशन होने के बाद हम अनीस भाई को कर रहे हैं बाय 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 बाय, और हम बैठेंगे अभी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से, जाएंगे हम आपका कश्मीरी गेट की तरफ, और बहुत अच्छा बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मतलब हम मिले थे 1 बजे, अभी बज रहे 8, पता नहीं टाइम आएगा नहीं आएगा, इसमें उल्टा टाइम आएगा, 8 बज गए हैं भाई। ठीक है तो बैठे बैठे भाई से बहुत सारी बातें कर ली हमने, और बहुत सारा इंटरेक्शन हो गया, हम 1.5-2 घंटे, 3 घंटे तक बैठे रहे आराम से। हमारी मूवी 4:30 बजे खत्म हुई थी ना, 4 बजे खत्म हुई, 4 घंटे हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आया भाई के साथ बात करके, और भाई बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई पर्सनली मिल के भाई से। नहीं बिल्कुल, तो हम लोग फिर मिलेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं मैंने बोला कि प्लान करेंगे आउटिंग के लिए, तो इंशाल्लाह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो स्टेट यून अगर सब्सक्राइब नहीं करते या सब्सक्राइब कर लो, कंजूसी क्यों इतना करते हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं।
मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई है भाई का, एनर्जी फुल ऑन एनर्जी रहती है हमेशा। तो बात करके बहुत मजा आया मुझे तो भाई, पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके और बात करके, है ना। और कभी आप लोग भी मिलो ना भाई से तो मतलब डाउन टू अर्थ बंदा। ये भी हमारे बहुत जबरदस्त क्रिएटर हैं आपका दिल्ली से पूरी, इनफैक्ट मुझे लगता है जितने भी मार्केट्स हैं आपका दिल्ली में वो सारे लोग इनको जानते हैं। बस भाई का भी चैनल है अनीश लकी के नाम से है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आपको सबसे सस्ती और अच्छी मार्केट्स देखनी हो तो अपने भाई के चैनल पे जा सकते हो। और लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी आएंगे, बाकी हमारे भाई लाइफस्टाइल ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं, मैंने देखे इनके ब्लॉग और हमारा इंटरेक्शन 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। ना ओवर एक्टिंग नहीं है भाई। ओके गाइस मिलते हैं, मतलब निकल रहे हैं अब घर के लिए, फिर मिलते हैं आपसे भाई। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम। आज का जो हमारा पूरा स्केड्यूल था वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, मतलब कि हमने आपको अपना होम टूर भी दे दिया। तो ये था हमारा लाइफस्टाइल एंड डेली व्लॉग, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको यार बाकी अच्छा लगे इसे लाइक कमेंट शेयर करें। एंड गाइस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना फीडबैक जरूर दिया करें कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अगर नहीं लग रहे तो क्यों नहीं लग रहे, मुझे आप अपना सजेशन भी दीजिए, मैं आपका सजेशन खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा। तो बस इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे हम नए वाले व्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, अल्लाह हाफिज, लव यू गाइस।